का सपना होता है कि अपना एक घर हो, लेकिन भारत में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनका अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है। लोग झुग्गी बनाकर, तंबू या टेंट में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं अगर आपका पक्का घर आपके सामने ही पानी में समा जाए तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। जी हाँ, हम यहाँ एक घर की नहीं बल्कि पूरे एक गांव की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से पानी में समाने वाला है। कटान की गति इतनी तेज है कि लोग घरों में रखा राशन व कीमती सामान तक बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। वहीं शर्म की बात तो ये है कि इस गांव की सुध लेने के लिए सरकारी कर्मचारी तक नहीं पहुंचा। इन वीडियो को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरह से पूरा गाँव नदी में समा रहा है। जरा सोचिए, आपका घर आपके ही सामने अगर पानी में जलमग्न हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी। हम बात कर रहे हैं बिहार के भागलपुर जिले की। यहाँ गंगा नदी के जलस्तर में तो कमी देखी जा रही है, लेकिन कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। ये आपदा भागलपुर के सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में आई हुई है। यहाँ कटाव इतना तेज है कि लोग अपने घरों से सामान तक बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। सारा का सारा कीमती सामान कटाव की भेंट चढ़ रहा है। इस गाँव के करीब 2 दर्जन घर गंगा नदी में समा चुके हैं। गांव के सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। लगातार यहां कटाव की स्थिति भयावह होती जा रही है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर हैं। शर्मसार करने वाली बात यह है कि अभी तक सरकारी सहायता व बचाव कार्य के नाम पर सरकारी अधिकारी तो दूर, कर्मचारी तक यहाँ नहीं पहुँचा। लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि से गुहार लगा रहे हैं। मदद नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।